हेलो गाइस, दिस इज सनी गुलवे, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये सेबी सीरीज़ में मैंने अभी तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें जो भी स्टेटमेंट्स मैंने समझाए हैं, दैट इज़ पीएनएल एंड बैलेंस शीट, दे आर पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और एक और है स्टेटमेंट जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं, जो हम आगे देखेंगे, वो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही पार्ट है। बट कंपनी के अंदर इसके पैरेलल में एक और अकाउंटिंग चलता है जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो आज हम देखेंगे कि ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि कंपनी का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, जिसमें वो तीन स्टेटमेंट प्रेजेंट करते हैं, उसे हमें कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता चलता है। ऑन दी अदर हैंड, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, कंपनी चीज़ों की कॉस्ट निकालती है, फिर एक ओवरऑल कॉस्ट निकालती है यूनिट वाइज या बैच वाइज, और वो कंपनी के मैनेजमेंट को बताया जाता है, और कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो उसके बेसिस पे डिसीजन लेता है कि भाई अगर इतना कॉस्ट है तो हमें सेलिंग प्राइस कितना रखना है, हमें कंपटीशन को भी देखना है कि कंपटीशन का इतना सेलिंग प्राइस है तो क्या हम उससे कम सेलिंग प्राइस ऑफर कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब डिसीजन लिया जाता है बेस्ड ऑन रिजल्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, इट इज़ मीनिंगफुल फॉर आउटसाइडर्स, क्योंकि जब भी ये जो पीएनएल है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, ये प्रेजेंट होता है और पब्लिक को दिखाया जाता है, तो उसके बाद कुछ स्टेक होल्डर्स होते हैं जिनको इस ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्ट होता है। जैसे कि अगर पब्लिक कंपनी है, उसके शेयर होल्डर्स हैं, तो शेयर होल्डर्स ये देखना चाहते हैं कि भी उनको प्रॉफिट कितना मिला है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब भी ये प्रेजेंट होता है तो कुछ लोगों की नज़र रहती है आउटसाइडर्स की ये स्टेटमेंट्स पे। तो उसमें से एक मैंने अभी बताया, जैसे शेयर होल्डर्स हैं, उनको देखना है कि भाई हमारी कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया। फिर फॉर एग्जाम्पल बैंकर्स, अगर उन्होंने लोन दिया है तो ये फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद वो कंपनी से बैलेंस शीट्स मंगवाएंगे और ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मंगवाएंगे और देखेंगे कि भाई ये कंपनी अभी भी फाइनेंशियली अच्छी पोजीशन पे है या नहीं, हमारा जो 5-7 साल का लोन जो है वो ये भर पाएंगे कि नहीं, ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं, और बाकी सब दूसरी चीज़ें भी देखेंगे, ठीक है। उसके अलावा फिर फॉर एग्ज़ाम्पल क्रेडिटर्स हैं जो ये कंपनी को माल सप्लाई करते हैं, ठीक है, वो भी ये देखेंगे कि भाई ये कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है कि नहीं। अगर हमने इसको क्रेडिट पीरियड दिया 90 दिन का या फॉर एग्जांपल 180 डेज का, तो ये माल लेने के बाद फिर पैसा वापस करेगी या नहीं, इसका फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो ठीक ठाक है या नहीं, ठीक है। तो ऐसे कई आउटसाइडर्स होंगे जो ये कंपनी के जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे, ठीक है। तो उस ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है उसका रिजल्ट किसको मीनिंगफुल है, आउटसाइडर्स के लिए, ठीक है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग से जो रिजल्ट मिलता है, इट इज़ मीनिंगफुल फॉर इनसाइडर्स या तो मैनेजमेंट, ठीक है। कंपनी के अंदर जब कॉस्ट अकाउंटिंग होता है तब उन्हें कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, फिर वो उनके जो मैनेजमेंट है वो एनालिसिस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट वो फाइनल बनाते हैं बेचने के लिए, उसमें उनको ऐसा मालूम पड़ता है कि भाई जो दूसरी कंपनीज जो इसमें लेबर कॉस्ट लगाती है उसे हमारी कंपनी में लेबर कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, या तो फिर हम थोड़ा रॉ मटेरियल महंगा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या तो हमारे आजू बाजू के खर्चे थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग के रिजल्ट से मैनेजमेंट को पता चलेगा कि हमारा कॉस्टिंग जो आ रहा है उसमें कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर वो प्रोडक्शन शेड्यूल नया बना सकते हैं, ठीक है, या पूरा प्रोडक्शन प्लान फिर से बना सकते हैं, या तो ऐसा कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से उसका कॉस्ट कम हो सके, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो रिजल्ट है वो इनसाइडर्स के लिए मीनिंगफुल है, ठीक है। आउटसाइडर्स को इससे कुछ लेना देना नहीं, उनको उनका जो भी मतलब है वो फाइनेंशियल जो पैरामीटर्स हैं उससे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एज अ होल देखा जाता है, मतलब टोटल मान लेते हैं कंपनी को 100 करोड़ का रेवेन्यू आया, उसमें से रॉ मटेरियल का एक्स वाई जेड खर्चा, लेबर का इतना खर्चा, फिर ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस,
फिर उसमें से इंटरेस्ट कॉस्ट निकाल लो, फिर ओवरऑल जो प्रॉफिट बचा उससे मतलब वो पता चलता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, ठीक है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या पता चलता है, हर एक यूनिट का कितना कॉस्ट है और उसमें कितना प्रॉफिट मिलता है वो पता चलता है, ठीक है। मान लो कंपनी 100 यूनिट बेचती है एक साल के अंदर, तो उससे जो टोटल रेवेन्यू आया है वो हम कहाँ दिखाएंगे, ये PNL अकाउंट में, ठीक है। और वो 100 यूनिट बनाने के लिए टोटल खर्चा कितना हुआ है वो हम उसमें से माइनस करेंगे, तो हमें ओवरऑल पूरे साल के अंदर कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ ये पता चला, बराबर। बट अगर हमें ये देखना है कि वो 100 यूनिट में से हर एक यूनिट में कंपनी का कॉस्ट कितना था और कंपनी का सेलिंग प्राइस कितना था और उसमें से हर एक यूनिट में हमें कितना प्रॉफिट मिला, वो अगर जानना है तो क्या देखना पड़ेगा, कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। इसमें हर एक यूनिट की इंडिविजुअल कॉस्ट निकलती है और ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस तो आपको पता ही होती है, एवरेज सेलिंग प्राइस जो भी कंपनी ने रखी है, तो एवरेज सेलिंग प्राइस उसमें से एक इंडिविजुअल यूनिट का कॉस्ट निकाल दो तो आपको पर यूनिट पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है वो पता चल जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर ईयर, हमें पता है जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके लिए ये जो PNL है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, वो प्रिपेयर किया जाता है। बट ये हमने जैसे कि देखा, ये कंपनी का इंटरनल चीज़ है, तो ये तो जब भी कंपनी को लगे वो प्रिपेयर कर सकती है, ठीक है। देन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए कुछ सेट फॉर्मेट है जो हमने आगे देखे हैं, PNL, बैलेंस शीट, उसमें एक तरीका होता है वो स्टेटमेंट बनाने का, तो वो उसी तरीके से बनाते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पब्लिक को या जो आउटसाइड स्टेक होल्डर्स हैं उनको दिखाना होता है, तो ये थ्रू आउट इंडिया ये पूरा एक सेम होना चाहिए, ठीक है, उसका एक सेट फॉर्मेट होना चाहिए प्रेजेंट करने का। बट ये तो कंपनी का इंडिविजुअल चॉइस है, वो कोई बाहर वाला देखने वाला है नहीं, ठीक है, तो इसमें कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, वो अपने तरीके से ये कॉस्टिंग का जो फॉर्मेट है वो डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये जो कॉस्टिंग है या कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। जनरली ये दोनों वर्ड जो हैं वो एक दूसरे के पर्यायवाची के तौर पे यूज़ किए जाते हैं कि भाई कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेम ही है, बट ये थोड़ा ब्रॉड टर्म है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें सिर्फ प्रोडक्ट्स के कॉस्ट निकालने होते हैं, बट उसके बाद उसके ऊपर डिसीजन लेना, पूरे प्रोडक्शन प्लान को चेंज करना, प्रोडक्शन शेड्यूल चेंज करना, ठीक है, बजटिंग करना, फिर ऐसे कोई भी डिसीजन लेना जिसकी वजह से कॉस्ट कंट्रोल में रहे या कॉस्ट रिड्यूस हो, ये सब किसका पार्ट है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। हालांकि ये जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये हमने देख लिया बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि भाई ये कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्चुअली कैसे कॉस्ट डिटरमाइन की जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।